हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। गर्मियों का मौसम आ चुका है, जिसके साथ बच्चों का डेली रूटीन भी चेंज हो गया है। अब आपको बच्चों के मालिश के तेल को भी बदलने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों की हेल्दी रहे स्किन और साथ ही साथ बच्चों की हड्डियां मजबूत रहें। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि गर्मी के मौसम में बच्चों की मालिश किस तेल से करें और किस तेल से गर्मियों के मौसम में आपको बिल्कुल बच्चे की मालिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप गलत तेल से बच्चे की मालिश करेंगे तो उसके रैशेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे घमोरियाँ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में आपको किस ऑयल से बच्चे की मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अब तक आप बादाम रोगन से या ऑलिव ऑयल से बच्चे की मालिश कर रहे होंगे, बट अब इस मौसम में आपको इस तेल से बिल्कुल बच्चे की मालिश नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों ही तेल की तासीर गर्म होती है। और अगर आप गर्म तासीर वाले तेल से गर्मियों में बच्चे की मालिश करेंगे तो उनके रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बादाम रोगन और ऑलिव ऑयल से आपको बच्चे की मालिश गर्मियों में बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि किस तेल से बच्चे की मालिश करनी चाहिए। तो गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा तेल होता है बच्चों की मालिश के लिए कोकोनट ऑयल। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोकोनट ऑयल जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे पैराशूट कोकोनट ऑयल या पतंजलि का कोकोनट ऑयल, तो उससे बच्चे की मालिश आपको नहीं करनी, क्योंकि ये ऑयल बच्चों के लिए नहीं बने होते हैं, ये सिर्फ बालों के लिए बने होते हैं। बच्चों की मालिश करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना होगा। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल नेचुरल तरीके से सीधे नारियल से ही बनाया जाता है, जिससे ये बिल्कुल नेचुरल होता है, बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल हेल्दी होता है। तो आप इस तेल से बच्चे की मालिश करिए, आप देखेंगे कि बच्चे को घमोरियाँ कभी नहीं होगी, उसकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी गर्मी के मौसम। बॉन से लेकर आपको इसी तेल से बच्चे की मालिश करनी है। बात करते हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या डाबरलाल तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं? तो हाँ, गर्मियों के मौसम में भी आप डाबरलाल तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।